राजस्थान में दलित दूल्हे ने रचा इतिहास। ये खबर देखकर जातिवादियों का जलना तय है। वो घोड़ी चढ़ने पर रोते थे, अब दलित हेलीकॉप्टर ले आया। ये तस्वीरें देखकर उन जातिवादियों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे जो किसी दलित के घोड़ी चढ़ने पर रोने लगते हैं। ये तस्वीरें उन मनुवादियों के गाल पर करारा तमाचा हैं जो आज भी किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने देते। राजस्थान से बीते दिनों कई ऐसी खबरें आई जिनमें मनु की औलादों ने किसी दलित के घोड़ी चढ़ने पर बवाल मचाया, लेकिन अब राजस्थान से ही एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर मनुवादियों के अंग विशेष में आग लग जाएगी। भारत पाक बॉर्डर पर बाड़मेर के दलित परिवार में ऐसी शाही शादी हुई कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश देखता रह गया। यहां के बिजराड़ गांव में एक दलित किसान परिवार के खेत में हेलीकॉप्टर उतरा तो उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस हेलीकॉप्टर में एक दलित दूल्हा बैठा और अपनी दुल्हन को उड़न खटोले में उड़ा ले गया। आसमान की ओर देख रहे जातिवादियों का मुंह खुला का खुला रह गया। बाबा साहब के संविधान की ताकत से एक दलित आसमान नाप रहा था और मनुवादी धरती पर खड़े खड़े जल भुन रहे थे। तरुण पन्नू और धिया की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो आज से पहले बाड़मेर में किसी ने नहीं किया था। दरअसल तरुण पन्नू के पिता तिल्लाराम मेघवाल और माँ पार्वती मेघवाल का सपना था कि वो अपनी बहू को हेलीकॉप्टर में लाएं। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेघवाल परिवार ने 6 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर बुक किया था, लेकिन विदाई से ऐन पहले हेलीकॉप्टर कंपनी ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर बुकिंग कैंसिल कर दी। लेकिन अम्बेडकरवादी मुश्किलों से कहां डरते हैं। उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर दूसरा हेलीकॉप्टर मंगा लिया। ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन की विदाई हुई। दलितों का ऐसा प्रतिकार पहले किसी ने नहीं देखा होगा। गाय को माता कहने वालों की घोड़ी ना जाने क्या लगती है जो उस पर किसी दलित के चढ़ते ही उनके कलेजे में आग लग जाती है। लेकिन मेघवाल फैमिली ने मनुवादियों को उनकी औकात दिखा दी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। दोस्तों द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।